हज़रत सैयदना ईसा अला नबी अलैहि सलातो सलाम दा एक बाग दे विच गुजर होया। उस बाग दे विच एक नौजवान उस बाग नूं सैराब करदा पिया। हज़रत सैयदना ईसा अला नबी अलैहि सलातो सलाम अर्ज करन लगा कि ऐ रूह अल्लाह, अल्लाह तबारक व ताला दी बारगाह च अर्ज करो कि अल्लाह तबारक व ताला मैनू अपने इश्क दा एक ज़र्रा अता कर दे। हज़रत सैयदना ईसा अला नबी अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया कि नौजवान, अल्लाह ताला ते इश्क दा एक जर्रा बहुत ज़्यादा होंगे, तो उसने बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, ताब नहीं ला सकेगा, इतनी ताकत इतनी इस्तेतात नहीं है तेरे अंदर। तो नौजवान आखन लगा कि हुजूर फिर मेरे वास्ते दुआ करो कि अल्लाह तबारक व ताला एक जर्रा नहीं चलो अद्धा जर्रा अदा कर दे। हज़रत सैयदना ईसा अला नबी अलैहि सलातो सलाम ने उस नौजवान वास्ते दुआ की थी। पैगंबर की दुआ आई, अल्लाह तबारक ताला ने कबूल फरमाई और हज़रत सैयदना ईसा अला नबी अलैहि सलातो सलाम चले गए। एक तवील अरसा गुजर जाने तो बाद हज़रत सैयदना ईसा अला नबी अलैहि सलातो सलाम का उस बस्ती के कोलों उस बाग के कोलों गुजर होया। तो ख्याल आया, सोचा कि चलो उस नौजवान की खबर ले लवां, उस नौजवान का पता कर लवा किस हालत दे विच है, जिसनों मैं अल्लाह ताला दे इश्क का अद्धा जर्रा लेके दिता। हज़रत सैयदना ईसा अला नबी अलैहि सलातो सलाम ने बस्ती वालों के कोलों जाके उस नौजवान के बारे पूछा। उन्होंने लोगों ने दसा कि असी उसनों नहीं जानते। हज़रत सैयदना ईसा अला नबी अलैहि सलातो सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह अर्ज की, मालिक मैनू उसके हालात तो आगाह फरमा, मैं उसनों वेखना चाहना कि किस कैफियत है, किस हालत के। हज़रत सैयदना ईसा अला नबी अलैहि सलातो सलाम ने वेखा कि वह नौजवान जंगल दे विच एक पहाड़ी ते एक चट्टान ते बैठा होया। हज़रत सैयदना ईसा अला नबी अलैहि सलातो सलाम गए, उस नौजवान नूं आवाज़ दी, उसने कोई जवाब नहीं दिता। अपने फिर आवाज़ दी, उसने कोई जवाब नहीं दिता। अपने फिर फरमाया कि मियाँ, मैं ईसा तेरा नबी, अल्लाह ताला दा नबी रूहुल्लाह, जिसने तेन इश्क दा अद्धा जर्रा लैके दिता, लेकिन उसने कोई खबर नहीं। अल्लाह तबारक व ताला दी तरफ वही आई कि रूहुल्लाह, इस नौजवान की जो कैफियत है, इसनों मेरे इश्क का अद्धा जर्रा मिल चुका है। तुसीं तो इसनों आवाज़ दे रहे हो, इसनों बुला रहे हो, मैनू मेरी इज्जत और जलाल की कसम, अगर इसनों सिर तो लैके पैरों तक आरे दे नाल चीर भी दिता जाए, फिर भी इसनों खबर ना, क्योंकि इसनों मेरे इश्क का अद्धा जर्रा अता हो चुका है, ये मेरे इश्क दे विच मुबतला हो चुका है।